थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने टाइम निकाला। थोड़ा बताइए मैम, आप लोग कहाँ से हैं, क्या बैकग्राउंड है, ऑकी पॉकी में क्यों आए थे और अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा, ये तीन चार चीजें मुझे जाननी। यस सर, हम गुजरात से है और ट्रायल क्लास जब अनन्या ने लिया था 5 दिन का, तो उसको बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। हालांकि उसकी हॉबी है, उसको मॉडलिंग में जाना है, तो मैं उसको बहुत सारी जगह पर ऑडिशन में ले जा रही थी। तो वहां से स्टार्टिंग ही इंग्लिश से होता था, और अनन्या क्या है, गुजराती मीडियम स्कूल में पढ़ी है, तो उसकी इंग्लिश, ऑफ कोर्स मेरी भी इंग्लिश वीक है, थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। मैम आप लोग गुजरात में कहाँ से हैं? मोरबी डिस्ट्रिक्ट से। मोरबी। अच्छा, हाँ, और आप लोग क्या करते हैं, मदर एंड फादर? फादर नहीं है उसके, अच्छा, मैं सिंगल मदर हूँ। आप गांव क्या में करते रहते हैं? हैं हम, मैं भी टीचर हूँ, गांव में रहते हैं, अच्छा, और आप क्या पढ़ाते यहाँ हैं? कोई ट्यूशन ग्रूमिंग यहाँ पर नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप क्या पढ़ाते हो मैम? मैं प्राइमरी में हूँ, प्राइमरी सेक्शन में टीचर अच्छा, हूँ। हाँ, नाइस। हाँ बट क्या है बताइए। कि गुजराती मीडियम स्कूल है, तो उसकी पढ़ाई में अभी गुजराती में हुई है। हिंदी, और ये क्या है कि टीवी की वजह से समझ लेती है, बोल लेती है, तो मैंने मैम को बोला था कि आप थोड़ा हिंदी में उसे समझाएगा, क्योंकि वो इंग्लिश पूरा नहीं समझ पाएगी। जी, बट अभी काफी चेंजेस हो गया है, घर में भी वो हाँ अभी इंग्लिश बोल रही है, कुछ कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस, और काफी चेंजेस हो गया है, बहुत चेंजेस हो गया है उसमें। कितना टाइम हो गया उसको हमारे पास आए हुए? जो मानो कि वो ट्रायल क्लास लिए थे, और उसके बाद शायद अभी 4-5 सेक्शन ही हुए हैं। 4-5 सेशन, मतलब 2 हफ्ते करीब। हाँ, 2 हफ्ते जितना हुआ है। अच्छा, अभी से आपको विजिबल डिफरेंस दिख रहे हैं। हाँ, डिफरेंस काफी वाह, दिखता है, ठीक है। कोई और और सुझाव मैम है भी बहुत बाकी पेरेंट्स के लिए? अच्छे से, बहुत मैंने कुछ क्लास भी ऑब्जर्व किए थे, बहुत अच्छे तरीके से वो सिखा रही है बच्चों को, बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, इंटरेस्टिंग मतलब। ठीक है, कोई सुझाव देना चाहेंगे आप बाकी पेरेंट्स को या हमको? सुझाव में मुझे बीच में कुछ लगा था, तब मैंने राखी मैम को कांटेक्ट किया था, बताया था कि एक एक सेक्शन में जो पढ़ाते हैं और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है, मतलब एक दिन बीच में छूटता है और तीसरे दिन दूसरा सेक्शन आता है, तो शुरुआत में ऐसा होता था कि दूसरा टॉपिक आ जाता था, तो मैंने उसको, ये मेरा सजेशन था कि कुछ रिपीटेशन आप कराए जो पहले सेक्शन में हुआ है, उसका थोड़ा मुहावरा दीजिए, ताकि उसको जो है वो फिर से उसे याद आ जाए, मतलब वो भूल ना जाए। हाँ, देखा है। हाँ, जी, मैं सबसे तो ये कहना चाहूंगी कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, और फायदा एक तो ये फायदा है कि वो ऑनलाइन घर बैठे हमारी आंखों के सामने बच्चा पढ़ रहा है, हम भी खुद देख पा रहे हैं कि क्या करा रहे हैं। ऑफलाइन में कहीं भेजेंगे दूर, और हमारा तो गांव में है इसलिए यहाँ तो ऑफलाइन है ही नहीं, सिटी में होगा ऑफलाइन क्लासेस, बट वहाँ क्या हो रहा है हमें पता भी नहीं चलेगा। ये हमें घर बैठे हम अपने बच्चे का जो स्टडी है वो चेक कर सकते हैं, क्या करा रहे हैं उसके टीचर ये भी चेक कर सकते हैं, और बहुत अच्छा, ओके पोके टीम बहुत ही मेहनत कर रही है बच्चों के लिए। तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपने बच्चों को ये क्लास करवाए, और उसकी इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश में एक्सप्रेशन आए, ये जरूरी है। थैंक यू सो मच। तो नए नए वर्ड्स यूज कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स जब कोई भी हमारे स्टूडेंट है, और ये तो मतलब बहुत ही जल्दी वाला केस हो गया कि 2-3 हफ्ते में उनको विजिबल घर के अंदर दिख रहा है फर्क, और वो दिखती भी इतनी सुंदर है, तो मतलब कोई सरप्राइज नहीं जब आपने बोला ना कि वो चाइल्ड मॉडल बनना चाहती है। तो मेरा बहुत बहुत प्यार अनन्या को, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप टाइम निकाल के आए, और उससे ज्यादा अच्छा ये लगा कि हम इतना इम्पैक्ट कर पा रहे हैं बहुत ही कम समय में भी। थैंक यू मैम।